दोस्तों, आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर सीबीएसई का 10th 12th का एग्जामिनेशन कब होगा। और मैं सच बताऊं, मैं भी इसी का वेट कर रहा था कि कब कोई नोटिफिकेशन सीबीएसई की तरफ से आए जो मैं आप सबको बता सकूं। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल डीएम में बहुत सारे क्वेश्चन थे बच्चों के, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता था बिकॉज कोई नोटिफिकेशन थी नहीं। बट अभी रिसेंटली सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि जो एग्जामिनेशन है वो मार्च में ही होगा, क्योंकि पहले ये बात बताई जा रही थी कि बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शंस हैं तो इस वजह से कहीं ये पोस्टपोन ना हो जाए लास्ट टाइम की तरह। तो अब कंफर्म है कि एग्जामिनेशन मार्च में ही स्टार्ट होंगे और शायद ये अप्रैल तक चल सके, क्योंकि बहुत सारे आर्ट्स के स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे कि सर मेरा साइकोलॉजी का पेपर अप्रैल में ही होगा, मेरी मैडम कह रही थी। बट वो बात की बात है। बट मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि टोटल 18,000 स्कूल जो सीबीएसई से एफिलेटेड है और साथ में 10,98,891 कैंडिडेट, जिसमें से 6,38,865 बॉयज़ हैं और 4,60,026 गर्ल्स हैं, और उसमें से 10,670 स्कूल्स जो हैं वो रजिस्टर्ड है सीबीएसई के अंडर में, जो क्लास 12th का एग्जामिनेशन इस बार देंगे। और साथ में ये रिपोर्ट है कि 2.82% 2017 से इस बार रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुई है, तो कॉम्पिटिशन थोड़ा बढ़ गया है। और आप लोगों ने प्रिपरेशन करी रखी होगी, आई एम श्योर करेंगे। अभी भी 2 महीने टाइम है, फाइनल टाइम है, प्री बोर्ड होगा, 10th वाले बच्चे पहली बार एग्जामिनेशन देंगे, तो यार ये बेटर है आपके लिए कि कुछ नया करिए, क्योंकि दोस्त अब सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइम है। और वो कहते हैं ना कि सिर्फ ईंट जोड़ने से घर नहीं बनता, उसके लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो इस टाइम बहुत ही प्लान तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि इस टाइम मैं आपको एक छोटा सा टिप्स देना चाहूंगा इस वीडियो के एंड में। जो बच्चे अभी ये सोचेंगे चल यार मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, इस बुक का मैं एक नोट्स बना लेता हूँ, बढ़िया रहेगा मेरे लिए। मैं बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम आके नोट्स बनाना कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करने के बराबर है। इससे बेटर है जो आप सैम्पल पेपर्स हैं आपके पास या जो बुक है उससे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, और जो आप पढ़ चुके हैं उसे लिखिए, सिवाय इसके कि पहले नोट्स बना लेता हूँ फिर पढ़ लूँगा। मेरी तो ये राय है क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं यही देखता हूँ बच्चों के बीच में, जो बच्चे 98, 97 वो भी ऐसे सब्जेक्ट छोड़ जाते हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ते और एंड में आके पढ़ते हैं और अच्छे मार्क्स लेके आते हैं किसी एक सब्जेक्ट में, तो उनकी भी कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी ही रहती है कि पहले पढ़ो फिर लिख लो। क्या है आपकी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये था कुछ नोटिफिकेशन, आगे जब भी सीबीएसई से रिलेटेड या कोई भी अदर स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ होगी तो मैं ज़रूर इस चैनल पर आप सबको इन्फॉर्म करूँगा। और आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जुड़ सकते हैं, और साथ में कविताओं का दुनिया हमारा मोटिवेशनल कोट्स चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।